एक बीजेपी नेता चुनाव हारने के बाद पद से दिया इस्तीफा। बता दें कि दिल्ली नगर निगम चुनाव में बीजेपी की हार के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष गुप्ता ने पद से इस्तीफा दे दिया है। जानकारी के मुताबिक अध्यक्ष गुप्ता ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को इस्तीफा सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा ने उनका रिजाइन स्वीकार कर ली है। जानकारी के मुताबिक अध्यक्ष गुप्ता के इस्तीफे के बाद वीरेंद्र सचदेव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। सचदेव अगले अध्यक्ष की नियुक्ति तक कामकाज संभालेंगे। एमसीडी चुनाव में भाजपा ने 250 वार्डों में से 104 सीटें जीती थी, जबकि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने 134 पर जीत हासिल की थी। एमसीडी चुनाव में बीजेपी वहां भी सीट नहीं निकाल सकी थी जहां अध्यक्ष गुप्ता जहां रहते हैं। इस बार में आदेश गुप्ता ने कहा था कि इलाके तो सांसदों और विधायकों के होते हैं। आदेश गुप्ता एमसीडी के वार्ड नंबर 141 के राजेंद्र नगर में रहते हैं। यहां से आम आदमी पार्टी की आरती चावला से जीत दर्ज की है। हालांकि आदेश गुप्ता आखिरी तक अपनी जीत का दावा करते रहे। उनका दावा था कि जब आखिरी रिजल्ट आएगा तो साफ हो जाएगा। आदेश गुप्ता ने कहा था कि बीजेपी ने नगर निगम चुनाव मुद्दों पर लड़ा था, 15 साल बाद भी हमारी परफॉर्मेंस बेहतर रही। दिल्ली की जनता ने बीजेपी पर विश्वास दिखाया है, ऐसा नहीं कि पूरा समर्थन आम आदमी पार्टी को दे दिया है। एमसीडी चुनाव के नतीजे आने के बाद आदेश गुप्ता ने आम आदमी पार्टी को घेरते हुए कहा था कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का इस्तीफा साफ हो गया है। इस पर जब उनसे सवाल किया गया कि आपके इलाके में भी बीजेपी का सुफड़ा साफ हो गया है, तो गुप्ता ने कहा था कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कोई इलाका नहीं होता, इलाके संसद और विधायकों के होते हैं। हम तो पूरी दिल्ली के अध्यक्ष हैं और दिल्ली के अध्यक्ष होने के नाते हम पूरी दिल्ली में काम करते हैं। तो जाना कि कैसे उन्होंने इस्तीफा दिया इस वीडियो में। तो मुझे उम्मीद होगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर सकते हैं।